बुरे बने वो उन लोगों के जो उस समय रूल करते थे, बुरे बने उन लोगों के जो उस समय राज करना चाहते थे, बुरे आज भी हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने हमेशा चाहा था दलितों को दबाने के लिए। आज उनको कई सारे अधिकार मिल गए। क्यों मिल गए? एक व्यक्ति था जो बुरा बना और उसने अपने सभी तरह के सेंसेस का इस्तेमाल किया और साथ में कॉन्फिडेंस को दिखाया कि कॉन्फिडेंस और पढ़ाई की ताकत क्या होती है। दोस्तों, जिस तरह से कि आप एक ही दवाई से, एक ही तरह की मेडिसिन से सभी तरह की बीमारियों का इलाज नहीं कर सकते, उसी तरह से एक सॉल्यूशन या फिर एक एग्जांपल से आप सभी तरह के सवालों के जवाब भी नहीं दे सकते। अब मैं आपको कहूं कि मुझसे लगातार लोग सवाल पूछते हैं मेरी वीडियोस को देखने के बाद कि सर लोग मुझे गलत बोलते हैं या मेरे लाइफ में कुछ ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से लोगों ने मेरे को गलत लोगों की कैटेगरी में डाल दिया या फिर लोग मुझे हमेशा गलत आदमी ही बोलते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को अच्छा बच्चा, गंदे बच्चे कैटेगरी में लोग डाल देते हैं, या फिर लोगों को आपने सुना भी होगा कि लोग बोलते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स भी बोला करते थे कि उस बच्चे के साथ में मत रहो। ऐसी कई सारी बातें होती हैं, बट जब एक वक्त गुजर जाता है, वक्त गुजरने के बाद में जब रिजल्ट आता है, दोस्तों ये जिंदगी जो चलती है ना हमारी, हमारे जो कर्म है, जितने भी जो हम अच्छे काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, इन सब की एक रिपोर्ट कार्ड बनती है। दोस्तों मैं यहां पर बात स्वर्ग या नर्क की बात में नहीं कर रहा हूं। जो यहां है उसने कभी स्वर्ग देखा नहीं और जो स्वर्ग गया वो कभी वापस आया नहीं, तो कौन बताएगा क्या सही और क्या गलत। पर मैं आपको ये बता दूं, कोई भी व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति और बुरे व्यक्ति, जैसे एक बहुत बड़ा एग्जांपल एक आदमी ने मेरे सामने रखा था, उसने बोला कि सर मान लीजिए कि दो लोग एक साथ किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं, एक करता है मार्केटिंग में जॉब जो सेल्स में है, एक करता है वहां पर टीएल की जॉब जिसका काम है सिर्फ लोगों पर नजर रखना, एक वक्त के बाद साल दो साल के बाद सैलरी ज्यादा किसकी होगी? तो ऑब्वियसली बात है सेल्समैन जो बाहर निकल रहा है, वो चीजें बेच रहा है, इंसेंटिव लेते लेते सैलरी उसकी बहुत ज्यादा हो जाएगी। दोस्तों बुरा क्या होता है? बुरा कुछ नहीं होता। एक बहुत फेमस दोहा है कबीर का, बोलता है कि बुरा जो देखा मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल देखा आपनो मुझसे बुरा ना कोई। तो बुरा बनना कुछ गलत चीज नहीं है। जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे लोगों समझिए, जो अच्छे लोग होते हैं समाज की नजर में, अच्छे लोग होते हैं परिवार की नजर में, अच्छे लोग होते हैं किसी भी सोना बाबू टाइप की नजर में, उन लोगों को बलिदान बहुत करना पड़ता है, अपनी खुशियों का बलिदान करना पड़ता है। वो चाहता है कुछ करना बट नहीं कर सकता। क्यों? वो करेगा तो लोग बोले गलत आदमी है, ये लोग है कि वो तो एक बहुत ही बुरा बच्चा है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बोलूंगा, जिंदगी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे, बहुत कुछ जाना है चीजों के बारे में। वो व्यक्ति एक अंबेडकर सिर्फ नाम नहीं, एक क्रांति का नाम है, एक क्रांति का कॉन्फिडेंस का नाम है। उस अकेले व्यक्ति ने अपने आप को इतना आगे निकाला, पढ़ा, सब चीजों को पढ़ा, पढ़ने के बाद में बोलना शुरू किया और आगे बढ़ते ही चले गए। लोग बोलते हैं कि अंबेडकर साहब को भगवान लोग मानते हैं और मानना भी चाहिए, उन्होंने इतना कुछ किया हमें समाज के लिए, बट वही समाज जो आज लड़ता है अलग चीजों को लेकर, पूरी बातें उनके समझ नहीं पाता। उनकी रिस्पेक्ट करो, उनके सिद्धांतों को फॉलो करो, जो उन्होंने कहा उन चीजों को फॉलो करो, साथ में जो उनके अंदर ऊर्जा थी, जो कॉन्फिडेंस था, जो डेयरिंग थी, उसको लाओ। बुद्धिमान कितने थे, उन चीजों को लेकर आओ। बुरे बने वो उन लोगों के जो उस समय रूल करते थे, बुरे बने उन लोगों के जो उस समय राज करना चाहते थे, बुरे आज भी हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने हमेशा चाहा था दलितों को दबाने के लिए। आज उनको कई सारे अधिकार मिल गए। क्यों मिल गए? एक व्यक्ति था जो बुरा बना और उसने अपने सभी तरह के सेंसेस का इस्तेमाल किया और साथ में कॉन्फिडेंस को दिखाया कि कॉन्फिडेंस और पढ़ाई की ताकत क्या होती है। जब आप कुछ सीखते हो, एजुकेशन बगावत का नाम है। जब कोई एजुकेट हो जाता है तो वो बाहर का समाज को जान लेता है और वो बाहर निकलना चाहता है, वो इस खुले आसमान में उड़ना चाहता है। उसी चीजों को कई लोग उसको बुराई का एक अमली जामा पहना देते हैं। दोस्तों अगर आप में से कोई भी अपने आप को वक्त नहीं देता है, अपने आप का ख्याल नहीं रखता है, अपने आप पर इन्वेस्ट नहीं करता है, या अपने आप को ही खुद एक ब्रांड नहीं समझता है, तो मेरा मानना है आप कहीं ना कहीं कुछ भूल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ आप चूक कर रहे हैं। जैसे कि मैं खुद ऐसा मानता हूं, बिलीव करता हूं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दानी आदमी होता है कंजूस। कंजूस क्यों होता है? क्योंकि पूरी जिंदगी वो सिर्फ पैसे को बचाता रहता है, हर चीज को बचाता है, इकट्ठा करता रहता है, अपनी जिंदगी तक ढंग से नहीं जीता, अपने आप पर इन्वेस्ट नहीं करता, अपने ऊपर कोई खर्चा नहीं करता और मरने के बाद उसकी हर चीज को दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं, दूसरे लोग उस चीज का लुत्फ उठाते हैं। जिंदगी एक बार मिली, बर्थ से लेकर डेथ तक की जो जर्नी है, इस जर्नी को जीना चाहिए, इस जर्नी को इंजॉय करना चाहिए। जिंदगी में परिस्थिति चाहे कोई भी रहे, जिंदगी परिस्थिति चाहे बदते बदतर हो जाए, बट फिर भी आपको उन परिस्थितियों को जीना चाहिए,
खुश रहना चाहिए। कंजूस की तरह जिंदगी काटने से कुछ मिलेगा नहीं। आप बहुत बड़ा एक एग्जांपल ले सकते हो केजीएफ मूवी का। दो पार्ट्स अभी तक इसके आए हैं। पहले पार्ट में तो अपना साम्राज्य वो खड़ा करता है, और उससे बड़ी समस्या खड़ी कब हो जाती है, जब उस साम्राज्य को उसको चलाना होता है। कोई भी चीज पा लेने से कुछ नहीं होता, उस चीज को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, उस चीज को बनाए रखना बहुत जरूरी है। उस बनाए रखने में ही ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, और फेल सिर्फ वो इसलिए हो पाते हैं क्योंकि वो अपने आप पर वक्त देते ही नहीं, अपने आप के लिए वक्त निकालते नहीं, अपने आप का ध्यान रखते ही नहीं। जब तक आप हो तभी तक आपके चाहने वाले, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, भाई बंधु, बीवी, बच्चे सब तभी तक आपका ध्यान रखते हैं जब तक आप खुद अपने आप का ध्यान रख सकते हैं। और जिस दिन आप बीमार पड़े या जिस दिन आपके जिंदगी में बहुत बुरी परिस्थितियां आई, तो आपको ये बात याद जरूर आएगी कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या किया। दुनिया का सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट को हम बोल सकते हैं वही आपका है शरीर, आपकी खुद जो आपकी पर्सनैलिटी है उस पर आप इन्वेस्ट करें। जो मन करता है अच्छे अच्छे फोन आते हैं, अच्छे फोन खरीदें अगर आप कैपेबल हैं। अगर आप कैपेबल नहीं हैं, पैसा नहीं है, पैसा कमाइए। पैसा जिंदगी में सबसे बड़ी चीज है। कौन कहता है पैसा नहीं कमाइए? लोग सर कहते हैं कि पैसा तो गलत काम करके भी कमाया जा सकता है, पैसा तो ऐसे भी कमाया जा सकता है, पर आपने कमाया क्यों नहीं? दोस्तों पैसा बहुत बड़ी चीज, सपने बहुत बड़े देखिए, बहुत बड़े सपने देखिए। अगर आप छोटे से हैं तो बहुत बड़ा सपना देखो। सबसे पहले आपके आसपास दोस्त, रिश्तेदार, परिवार के लोग, खुद अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी बीवी, हो सकता है आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, सबसे पहले यही आपको डिमोरलाइज करेंगे। वो कहेंगे कि नहीं, अब जितनी चादर हो उतने पैर पसारिए। नहीं, अपनी चादर को बड़ा कीजिए, अपनी और मेहनत कीजिए, लगन से मेहनत कीजिए, बहुत हिम्मत से काम कीजिए, कोशिश कीजिए, और संघर्ष को कभी ना भूले। हमेशा अपनी वीडियोस में मैं बोलता हूं संघर्ष तो जीवन में रहेगा, पर अपने लिए जीना बहुत जरूरी है। आप अपने लिए नहीं जिएंगे, जिंदगी को अच्छे से नहीं जिएंगे, तो उसे कमा कमा कर छोड़ जाएंगे। जो मैंने एग्जाम्पल दिया, सबसे बड़ा दानी इस दुनिया का कौन होता है? कंजूस। मतलब जब मरोगे सब कुछ छोड़कर चले जाओगे। अपनी जिंदगी में तो आपने कुछ नहीं किया, पर छोड़ गए आप सब कुछ, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जिंदगी में कोई भी किसी भी तरह का काश नाम का शब्द ना हो, जिंदगी में कोई पछतावा बिल्कुल ना हो।